हेलो, इस वीडियो में हम देखेंगे BFS, जिसको हम बोलते हैं ब्रेथ फर्स्ट सर्च। सो BFS क्या करता है? इट एक्सप्लोर्स ऑल द नोड्स एट गिवन डेप्थ बिफोर प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट लेवल। मतलब कि एक ही डेप्थ पे पहली सारी नोड्स को विजिट करेगा। जैसे कि पहले इस डेप्थ पे ए को विजिट किया, फिर इस डेप्थ पे सारी नोड्स को विजिट करेगा, फिर नीचे जाएगा। सो इट एक्सप्लोर्स ऑल द नोड्स एट ए गिवन डेप्थ बिफोर प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट लेवल। और कैसे इम्प्लीमेंट होता है ये? विद द हेल्प ऑफ अ क्यू। ठीक है, सो BFS ब्रेथ फर्स्ट सर्च क्यू की मदद से इम्प्लीमेंट करते हैं। करता है क्या है? सारी नोड्स को एक्सप्लोर करता है एक गिवन डेप्थ पे, और उसके बाद ही नेक्स्ट लेवल के ऊपर जाता है। सो मैंने यहाँ पे इसका एक एल्गोरिदम लिखा हुआ है, जिसको आपको याद कर लेना चाहिए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर हम इसके दो एग्जाम्पल्स इसी वीडियो में सॉल्व करके देखेंगे कि कैसे BFS काम करता है। सो जल्दी से मैं आपको एल्गोरिदम एक बार बता देता हूँ क्या है इसका। सबसे पहले तो क्यू के अंदर आप स्टार्टिंग नोट्स को एंटर कर दो। सो एंटर स्टार्टिंग नोट्स इन अ क्यू। उसके बाद आपको चेक करना है कि अगर क्यू एम्प्टी है तो फेल रिटर्न करना है। देन अगर पहला एलिमेंट ही क्यू का आपकी गोल नोड है तो आपको क्या करना है? सक्सेस रिटर्न करना है। और अगर पहला एलिमेंट क्यू का आपकी गोल नोड नहीं है तो आपको आगे फर्दर ट्रेवर्स करना होगा। सो रिमूव एंड एक्सपेंड द फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम द क्यू एंड प्लेस चिल्ड्रन एट द एंड ऑफ द क्यू। अब ये वाला पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल में देखेंगे कैसे एक पॉइंट काम करता है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। एंड उसके बाद आपको इस वाले पॉइंट पे दोबारा जाना है और इसको पूरा ट्रेवर्स करते रहना है। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा कि कैसे काम करता है ये। सो सबसे पहले हमें इसको ट्रेवर्स करना है। ठीक है, अब स्टार्टिंग नोड क्या है यहाँ पे? स्टार्टिंग नोड है ए। दिस इज द स्टार्टिंग नोड। और हम इसका पूरा ट्रेवर्सल देखेंगे, पूरे ट्री का या पूरे ग्राफ का, कि कैसे ये ट्रेवर्स कर रहा है। अब इनिशियली क्यू क्या होगी? इनिशियली क्यू के अंदर आपको पहला एलिमेंट डालना है, इससे रूट एलिमेंट जैसे हमने यहां पे लिखा है। सो इनिशियली क्यू क्या होगी? इसके अंदर होगा ए। अब क्योंकि हमें पूरा ट्रेवर्स करना है तो हमें देखना है कि क्या ये गोल नोड है। तो अब क्योंकि हमें पूरा ट्रेवर्स करना है तो हम इसको कहेंगे कि ये गोल नोड नहीं है और हम आगे इसको फर्दर प्रोसीड करेंगे। देन आपको क्या करना होगा? अगर ये गोल नोड नहीं है तो इसको क्यू से हटाना है। ठीक है, ये वाला पॉइंट मैं एक बार लिख देता हूँ, आपको याद हो जाएगा। रिमूव फ्रॉम क्यू एंड एड इट्स सक्सेसर टू द क्यू। ठीक है, हर बार आपको अब यही करना होगा इसमें। तो इसके बाद क्यू क्या बन जाएगी जब हम इसको हटा देंगे? अब देखो ए के सक्सेसर कौन कौन से हैं? बी एंड सी। सो कुछ इस तरह से हम ट्रेवर्स कर रहे हैं इसमें। पहले हम ए के पास गए, देन ए के बाद हम आए बी एंड देन सी। इसके दोनों जो भी सक्सेसर्स हैं उनको क्यू के अंदर आपको लिखना है। ठीक है, देन हमने देखा कि क्या बी आपकी गोल नोड है? नहीं, तो बी को रिमूव कर देंगे और फिर बी के जितने भी सक्सेसर्स हैं उसको एंड ऑफ द क्यू डालेंगे। आप देखो यहाँ पे क्या लिखा है, रिमूव एंड एक्सपेंड फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम क्यू। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। बी को हमने रिमूव कर दिया और इसको एक्सपेंड किया, तो एक्सपेंड करने से क्या मिला बी पे? हमें एक्सपेंड करने से क्या मिलेगा? बी के जितने भी चाइल्ड हैं, इट इज़ डी एंड ई। अब इस डी और ई को कहाँ पे डालना है? एट द एंड ऑफ द क्यू। तो दैट मीन्स क्यू क्या बन जाएगी? सी डी ई। ठीक है, देन अब सी को हटाएंगे और सी के जितने भी चाइल्ड हैं उनको एंड ऑफ द क्यू डालेंगे। दैट मीन्स अब क्या बन जाएगी ये? डी कॉमा ई कॉमा एफ। ठीक है, अब ऐसे ही इसको फर्दर आपको प्रोसीड करना है। तो अब क्या होगा? डी को हटाएंगे और इसके जितने चाइल्ड हैं उनको एंड ऑफ द क्यू डालेंगे। तो ये क्या बन जाएगी? ई एफ। डी का चाइल्ड क्या है? जी। ठीक है, देन ई को हटाएंगे और
ई का कोई चाइल्ड है क्या? नहीं है, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे. देन एफ को हटाएंगे, एफ का कौन सा चाइल्ड है? एच. सो इट विल बिकम जी कॉमा एच. ठीक है. सो अब क्या बन जाएगा हमारे पास? हम किसको हटाएंगे यहाँ पे? एफ को. सो इट विल बिकम जी कॉमा एच. देन जी को हटाएंगे एंड एच को. इसके तो कोई हमारे पास नहीं है, तो इस तरह से इसका ट्रेवर्सल पूरा हो जाएगा. तो कैसे हो रहा है ट्रेवर्सल? देखो, ए ए से बी, सी डी ई एफ जी एच. सो इसको मैं आपको लिख देता हूँ, इसका ट्रेवर्सल क्या बनेगा. ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच. ठीक है. सो आई होप द एग्जाम्पल इज क्लियर. एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी के ऊपर, ताकि आपको और अच्छे से ये क्लियर हो जाए. सो ये एक और क्वेश्चन लिया मैंने यहाँ पे. अगर देखो डायरेक्ट हम करना चाहें तो हम इसको डायरेक्ट देख सकते हैं, बट बेटर है कि हम इसको एक बार क्यू की फॉर्म में देखें. सो कैसे होगा? इनिशियली होगा क्यू के अंदर एस. ठीक है. देन एस को हटा के हम क्या डालेंगे? इसके चाइल्ड एलिमेंट्स. तो ये बन जाएगी ए कॉमा बी. उसके बाद क्या करेंगे हम? सबसे पहले पहला एलिमेंट हटाएंगे ए, और इसके जितने भी सक्सेसर्स हैं उसको एंड ऑफ द क्यू डाल देंगे. तो क्या हो जाएगा? ये बी कॉमा सी कॉमा डी. देन आपको बी को हटाना है और इसके चाइल्ड एलिमेंट्स को एंड ऑफ द क्यू डालना है. तो बन जाएगा सी कॉमा डी कॉमा जी कॉमा एच. देन सी को हटाना है और इसके चाइल्ड एलिमेंट्स को एंड ऑफ द क्यू डालना है. तो क्या हो जाएगा? डी कॉमा जी कॉमा एच. सी के क्या है? ई एंड एफ. देन आपको डी को हटाना है. अब डी का कोई चाइल्ड नहीं है, तो हम इसको आगे फर्दर एक्सपेंड नहीं कर सकते. फिर देखेंगे क्या हम जी को एक्सपेंड कर सकते हैं. जी को कर सकते हैं, तो जी को हटाएंगे. तो ये हो जाएगा एच कॉमा ई कॉमा एफ कॉमा आई. ठीक है. सो अब देखते हैं, अब एच को हटाएंगे बट एच को एक्सपेंड नहीं कर सकते. देन ई को हटाते हैं और ई को एक्सपेंड करते हैं, तो क्या आएगा? ये एफ आई कॉमा के. ठीक है. अब देखो एफ को हटाएंगे, कोई एक्सपेंशन नहीं है. आई को हटाएंगे, कोई एक्सपेंशन नहीं है. के को हटाएंगे, कोई एक्सपेंशन नहीं है. तो इस तरह से आपका ये एंड में ख़त्म हो जाएगा. तो जो इसका ट्रेवर्सल बना वो क्या बना? एस से ए, ए से बी, देन बी से सी, सी से डी, डी के बाद हमने कौन सा हटाया था? जी. जी के बाद हटाया था एच. एच के बाद हटाया था हमने ई. ई के बाद हटाया था हमने एफ. देन आई एंड के. सो ट्रेवर्सल बेसिकली क्या है? जिस सीक्वेंस में आप हटा रहे हो अपने एलिमेंट्स को, वो आपका ट्रेवर्सल बन जाता है. ठीक है. सो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ ब्रेथ फर्स्ट सर्च. अब इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं ब्रेथ फर्स्ट सर्च के. तो सबसे पहला जो इसका एडवांटेज है वो ये होता है BFS का, दैट इट विल फाइंड अ सॉल्यूशन इफ इट एग्जिस्ट्स. अगर सॉल्यूशन है तो वो उसको जरूर ढूंढ लेगा. ठीक है. सो एंड सेकंड, इट विल ऑलवेज और इट विल ट्राई टू फाइंड द मिनिमल, इट विल ट्राई टू फाइंड द मिनिमल सॉल्यूशन इन लीस्ट नंबर ऑफ स्टेप्स. तो ये तो इसके हो गए एडवांटेजेस. अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? इसके डिसएडवांटेजेस होता है, एक तो रिक्वायर्स मोर मेमोरी, क्योंकि हर स्टेज पे आपका जो ट्री है वो एक्सपेंड हो रहा है, तो मेमोरी ज़्यादा चाहिए होती है. एंड नीड्स लॉट्स ऑफ टाइम. कब? इफ सॉल्यूशन इज फार फ्रॉम रूट नोड. दैट मीन्स अगर ये आपकी स्टार्टिंग नोड थी एंड ये आपकी गोल नोड थी, तो इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए. ठीक है. तो ये तो होगा इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. देन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की अगर हम बात करें तो क्या होती है? सो ये आपको याद रखना है. इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी
स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में, दैट इट इज ओ बिगो ऑफ बी की पावर डी. ठीक है, सो बी की पावर डी, वेयर बी इज व्हाट द ब्रांचिंग फैक्टर, कि नोड कितने बार डिवाइड हो रही है. इसमें ब्रांचिंग फैक्टर देखो क्या है, एस कितनी बार डिवाइड हो रही है, दो बार, ए कितनी बार हो रही है, दो बार, तो टू हो गया ब्रांचिंग फैक्टर, तो बी यानी टू हो गया. और डी के डेप्थ, कितनी डेप्थ आ रही है, 0, 1, 2, 3, 4, चार लेवल तक आ रहा है, चार डेप्थ आ रही है इसकी, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2, डेट इज 4 इस वाले क्वेश्चन के अंदर, इस वाले सॉल्यूशन के अंदर. सो दिस इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ब्रेथ फर्स्ट सर्च. सो दिस इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. प्लीज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच ट्यूटोरियल्स. थैंक यू.